हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिकेट इन्फॉर्मर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप ए के दो मुकाबले खेले गए, जहां पहला मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का था तो वहीं दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का। पहले मैच में जहां आयरलैंड ने 11 साल के बाद इतिहास दोहराया है तो वहीं दूसरे में दोनों टीम्स एक एक पॉइंट बांटने को मजबूर हुई हैं। बताएंगे आपको इस वीडियो में दोनों मैच का हाल और साथ ही वीडियो के अंत में एक नज़र डालेंगे पॉइंट टेबल के गणित पर। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर ना सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप बल्कि क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप आज पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का हुआ और यह मैच का रिजल्ट पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड रहा। जी हाँ, 2011 वर्ल्ड कप का आपको वो मैच जरूर याद होगा जहां पर इंग्लैंड ने आयरलैंड के सामने 327 रनों का टारगेट सेट किया था और केविन ओब्रायन की फास्टेस्ट सेंचुरी की हेल्प से आयरलैंड ने इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया था। हालांकि आज के मैच में फास्टेस्ट सेंचुरी जैसा तो कुछ नहीं हुआ, बट मैच का रिजल्ट 11 सालों के बाद कुछ वैसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इस मैच में इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता और पहले फील्ड करने का डिसीजन लिया। आयरलैंड की ओर से बेलवर्नी ने 47 गेंदों पर 62 रन बनाए तो वहीं टकर ने 27 गेंदों पर 34 रन। इसके साथ ही आयरलैंड ने फाइनली 19.2 ओवर्स में 10 विकेट खो करके 157 रन का स्कोर बनाया। इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप से मार्क वुड और लिविस्टोन ने 3-3 तो वहीं सैम कुरन ने 2 और बेन स्टॉक्स ने 1 विकेट लिया। टारगेट चेज करने आई इंग्लैंड की तरफ से दोनों ओपनर्स तो जल्दी ही आउट हो गए, मगर डेविड मिलन के 35 और ब्रुक के 18 रनों की मदद से इंग्लैंड ने 14.3 ओवर्स में 5 विकेट पर 105 रन बना लिए थे। मगर इस मैच में शुरू से ही बारिश का साया मंडराता रहा, जिसके कारण इस स्कोर पर एक बार फिर से मैच को रोका गया, जिसके बाद मैच शुरू नहीं हो पाया और फाइनली DLS मेथड यानी कि डकवर्थ लुईस मेथड से आयरलैंड को 5 रन से विनर बना दिया गया और इस तरह आयरलैंड ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को वर्ल्ड कप में दूसरी बार हराया है। 62 रन बनाने के लिए वेरवर्नी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। चलिए, ये तो हो गई इस मैच की बात और अब बात करेंगे दूसरे मैच यानी अफगानिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड की। मगर इस मैच की बात करने से पहले बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस मैच में भी पूरी तरह से बारिश का साया रहा, जहां काफ़ी टाइम वेट करने के बावजूद भी टॉस तक नहीं हो पाया और दोनों टीम्स को फाइनली एक एक पॉइंट दे दिया गया। फाइनली हम देख लेते हैं एक बार पॉइंट टेबल की ओर, जहां पर आगे क्या और कैसे होगा, कौन सी वो दो टीमें होंगी जो सेमीज में जाएंगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज के मैचेस के बाद अब इस ग्रुप में सिर्फ अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को छोड़ बाकी की चारों टीम सेम स्टेज पर आ गई है। फ़र्क सिर्फ नेट रन रेट का है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन कल के दिन के दोनों मुकाबले साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश और इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मैच की अपडेट आपको मिलेगी इसी चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं जल्दी आपसे कल एक और नई वीडियो में एक और नए मैच अपडेट के साथ।